हाउ टू अनलॉक एयरटेल सिम कार्ड पीओ के लॉक। ओके, क्या आप एक एयरटेल यूजर हैं, यानी आप एयरटेल का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और गलती से आपके सिम कार्ड में पीओ के लॉक लग गया है, या फिर जब भी आप अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑन यानी पावर ऑन करते हैं तो आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर इंटर पीओ के या इंटर सिम पिन लॉक का मैसेज दिखाई देता है, यानी कि सिम कार्ड पीओ के नंबर मांगता है। घुमा फिरा के बोले तो आप अपने सिम कार्ड में लगे पीओ के लॉक को अनलॉक करना चाहते हैं, लेकिन परेशानी की बात यहाँ ये है कि आपको अपने सिम कार्ड का पीओ के नंबर नहीं पता है। डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिम कार्ड का पीओ के नंबर पता करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने सिम कार्ड के पीओ के लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। वेल, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको अपने सिम कार्ड का पीओ के नंबर पता करने के लिए एक और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आप अपने फैमिली या फ्रेंड में से किसी का भी मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल करेंगे उसमें भी एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड लगा होना चाहिए। सबसे पहले आपको दूसरे मोबाइल फोन में कॉलर डायल ऐप को ऑन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है *121*51#, यानी *121*51#। उसके बाद कॉल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि इस USSD कोड को रन कर लेना है। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि मोबाइल फोन में दो सिम कार्ड लगा है तो आपको एयरटेल कंपनी के सिम कार्ड से इस USSD कोड को रन कर लेना है। उसके बाद एक पॉपअप मैसेज बॉक्स शो होगा, यहाँ आपको ओके पर क्लिक करना है या फिर आपको कुछ देर इंतजार कर लेना है तो यह ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको तीसरे नंबर पर PUK का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अपने सिम कार्ड का पीओ के नंबर जानना है तो यहाँ आपको रिप्लाई बॉक्स में 3 एंटर करना है। उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद अगेन एक पॉपअप मैसेज बॉक्स ओपन होगा। यहाँ एक नंबर पर आपको PUK फॉर अदर और दूसरे नंबर पर PUK फॉर सेल्फ का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में लगे सिम कार्ड का PUK नंबर जानना है तो यहाँ आपको रिप्लाई बॉक्स में 1 एंटर करना है। उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद अगेन एक पॉपअप मैसेज बॉक्स ओपन होगा। यहाँ आपको इंटर योर मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जिस मोबाइल फोन में या जिस सिम कार्ड में PUK लॉक लगा है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जिस व्यक्ति के नाम पर सिम का रजिस्टर है। कहने का मतलब यह है कि आपके जिस सिम कार्ड में PUK कोड लगा है उस सिम कार्ड खरीदते समय आपने जिस व्यक्ति का आधार कार्ड दिया था उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट में एंटर करना है, यानी डेट मंथ और ईयर। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद अगेन एक पॉपअप मैसेज बॉक्स ओपन होगा। यहाँ आपके सिम कार्ड का PUK नंबर दिखाई देगा। आपको इस PUK नंबर को नोट कर लेना है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इस PUK नंबर को नोट नहीं कर पाते हैं तो आपके मोबाइल फोन में एक मैसेज आया होगा, जिसे आप अपने मोबाइल फोन के मैसेज इनबॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके जिस मोबाइल फोन या सिम कार्ड में PUK कोड लगा है उस मोबाइल फोन में आपको इस PUK1 नंबर को एंटर करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने सिम कार्ड में लगे PUK कोड को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसे परमानेंट बंद करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्वैप अप करके नीचे आना है। नीचे आपको सिक्योरिटी या पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको लॉक सिम कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपको ऊपर नहीं मिलता है तो आपको स्वैप अप करके नीचे आना है। लॉक सिम कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपके मोबाइल फोन में लॉक सिम कार्ड फंक्शंस इनेबल है तो आपको इसे ऑफ कर देना है। इसे ऑफ करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आपने जो पासवर्ड सेट किया था या फिर एयरटेल सिम कार्ड का डिफॉल्ट सिम पिन 1234 एंटर करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो यह ऑफ हो जाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने सिम कार्ड में लगे PUK लॉक को परमानेंट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे इनेबल रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।